नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बिहार सरकार के फैसले के बारे में। अपने चुनावी वादे के अनुसार बिहार सरकार अब बिहार के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की पहल में जुटती नजर आ रही है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में ही बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया था कि अगर इस बार भी जनता ने उन्हें जीत दिलवाई तो सबसे पहले बिहार में खाली पड़ी सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर सरकार ने यह भी साफ किया था कि इस बार सरकार बनने के बाद बिहार सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी युवा बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में ना जाए। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी आदेश जारी किया था। इसी क्रम में अब बिहार सरकार की तरफ से बिहार में लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्षों की खाली पड़ी सीटों को भरने की तैयारी हो रही है। इसके तहत जल्द ही बिहार में खाली पड़ी 893 पदों पर बहाली की जाएगी। शिक्षा विभाग इस दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई भी करने वाला है, जिसके तहत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वैसे अभ्यर्थियों को ही इन पदों पर नियुक्त किया जाएगा जो पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार ही इन पदों के लिए उपयुक्त माने जाएंगे। आपको बता दें कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के 2,789 पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध 893 पद खाली पड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि इससे पहले साल 2007 में लाइब्रेरियन पद का सृजन हुआ है। इस पद पर नियोजन की कार्रवाई 2008 से शुरू होकर 2019 तक जारी रही थी। हालांकि इस देरी को लेकर विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण भी पेश किया गया था, जिसमें यह साफ किया गया था, ये बताया गया था कि इस विलंब का मुख्य कारण अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट में वाद दायर करना था। साल 2020 में नई नियमावली का गठन भी किया गया, जिसको लेकर लाइब्रेरियन पद पर तभी नियुक्ति करवाई जाएगी जब इसके पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी पास होंगे। इन नियुक्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने संजीव श्याम सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में ये कहा कि 500 से अधिक पुस्तक होने पर ही लाइब्रेरियन के पद का सृजित होता है। सरकार इसकी गणना कर स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली करने वाली है। बिहार की स्थिति शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई बेहतर स्थान पर नहीं है, और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात को माना है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर नीति आयोग, विश्व बैंक और मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से रैंकिंग में बिहार का स्थान 17वां है। रैंकिंग में सुधार के लिए हर तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना कारण शिक्षा व्यवस्था पर काफी असर देखने को मिला था, मगर अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना के समय में जितनी भी पढ़ाई छात्रों की बर्बाद हुई है उसे दोबारा से शुरू करवाया जाएगा, जिसके तहत ही विशेष 3 महीने के कैचअप कोर्स चलाने की तैयारी भी हो रही है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में और ज्यादा सुधार लाने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है। तो इसके तहत शिक्षा मंत्री ने यह साफ किया है कि नियमित नियुक्ति होते ही अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त होने वाली है। विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के पद पर बहाल होने वाले शिक्षकों को स्थायी या 65 साल तक करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन फिलहाल नहीं है। सेवा शर्त के मुताबिक जैसे ही नियुक्ति होगी इनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि बिहार सरकार अपनी तरफ से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही रोजगार मुहैया करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अब पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।